हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। क्या हाल है सभी लोगों के? आई होप यू ऑल आर हेल्दी, हैप्पी एंड फाइन। तो यार, फिर से कोविड की एक और लहर आ गई है। नए से नए वेरिएंट आते ही जा रहे हैं भाई साहब, पर क्या करें, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। अब बाहर तो जा नहीं सकते व्लॉगिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना घर से ही आपके लिए कुछ बढ़िया सी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग साथ में वीडियो ले आता हूँ। तो आज टाइटल तो देख ही लिया होगा आपने, मैं स्नीकर्स का और काफ़ी अलग अलग टाइप के शूज़ का काफ़ी शौक रखता हूँ, तो आई की कलेक्टिंग देम। तो शूज़ लेना तो भाई बहुत आसान है, बट उन्हें मेंटेन करना है सबसे बड़ी बात। एंड हेंस दिस वीडियो, हेंस दिस टाइटल दैट यू हैव सीन, एंड आई होप आप कुछ नया जानने के लिए मेरे पास आए हो। तो फॉर ऑल दी शू लवर्स आउट देयर, एंड अगर आप नहीं भी हो, नॉर्मली आपको जानना है कि क्या मेथड होते हैं बेस्ट शू क्लीनिंग के, होमली मेथड्स क्या हैं विदाउट पेइंग एनीवन एल्स फॉर डूइंग द जॉब फॉर यू। शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो गाइस, सपोर्ट द चैनल। मैं काफी सारा ट्रैवल कंटेंट, फूड कंटेंट लाता रहता हूं आप लोगों के लिए। तो फटाफट से चलते हैं क्लीनिंग एरिया में एंड देखते हैं कि ये घरेलू सा क्या मेथड है शूज को क्लीन करने का विदाउट पेइंग एनीवन एल्स फॉर डूइंग द जॉब फॉर यू। बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या सब सामान हमें चाहिए। तो फटाफट से आप इकट्ठा कर लो, अगर मेरे साथ ही कर रहे हो ये चीज, या फिर खरीद लो मार्केट से। जो सब सामान हमें चाहिए वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चीज है हमारी डिटर्जेंट पाउडर, किसी भी ब्रांड का कहीं से मिल जाता है, हर घर में अवेलेबल होता है ये। सेकेंडली दिस टूथपेस्ट, जरूरी नहीं है कोलगेट की लेना है, दिस इज नॉट अ ब्रांड प्रमोशन। थर्ड थिंग इज द बेकिंग पाउडर, ये भी हर घर में अवेलेबल होता है, नहीं है तो यार ले आओ मार्केट से, ज्यादा महंगा नहीं आता। यू कैन गेट द बेकिंग पाउडर फ्रॉम एनी जनरल स्टोर। चौथी चीज ये टूथपेस्ट, कोई भी पुराना सा टूथपेस्ट जो आप फेंकने वाले हो उसे मत फेंको, बचा के रख लो और इस काम के लिए यूज करना है हमें इसे। पांचवी चीज है ये क्लॉथ, कोई भी नॉर्मल जनरल क्लॉथ जिससे आप क्लीनिंग कर सकते हो। और फाइनल और लास्ट चीज जो हमें चाहिए वो है एक कटोरी इन सब चीजों को मिलाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इस कटोरी में ले लिया है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, अब इसमें मैं डालूंगा डिटर्जेंट पाउडर। देखो कितना डालना है, कैसे डालना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, देयर इज नो फिक्स मेजरमेंट टू इट। ठीक है, ये दोनों चीजें होने के बाद थोड़ा सा इसे हम मिक्स कर लेंगे अपने टूथब्रश से। बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, एंड घर में जितनी सारी चीजें अवेलेबल है उन्हीं से कंप्लीट हो जाता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा परचेज करने की जरूरत नहीं है एंड ना ही किसी और को पैसे देने की जरूरत है आपकी शू रिकवरी के लिए। आजकल काफी सारे लोगों ने बिजनेस बना लिया है कि शू क्लीनअप का काफी ज्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं उस चीज के। नाउ इज द टाइम फॉर द टूथपेस्ट। तो किसी बिजनेस को मैं डिमीट नहीं कर रहा हूं, बट जब हम घर पे कर सकते हैं तो वाई पे समवन एल्स। थोड़ा सा टूथपेस्ट लेंगे, कोई भी टूथपेस्ट आप ले सकते हो, ठीक ठाक क्वांटिटी में लेना है। एंड आप कोशिश करना जिस टूथपेस्ट में ज्यादा अच्छी झाग हो ना बोलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम डालेंगे बहुत ही जरा सा पानी, थोड़े से पानी के बाद हम इसे ऐसे मिक्स करेंगे, इसका एक मिक्सचर बनाएंगे। आप देख रहे हो फोम क्रिएट होनी शुरू हो गई है, आप देख रहे हो जैसे अब ये थोड़ा सा पाउडर जैसा बन रहा है, तो इसमें आप थोड़ा और पानी मिला सकते हो क्योंकि हमें एक पेस्ट रेडी करना है, पेस्ट की फॉर्म में बनाना है हमें इसे। लेट्स ऐड सम मोर वाटर, थोड़ा और पानी डाल दिया मैंने, इसे मिक्स करते हैं अच्छे से। यस दिस इज इट, आप देख सकते हो फोमी सा पेस्ट क्रिएट हो गया है यहाँ पे, और जितना इसे मैं मिक्स करता जाऊंगा उतनी ये फोम और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ज्यादा मिक्स नहीं करते वरना बाहर आ जाएगा इस कटोरी से। तो अब इसे मिक्स करके आपने थोड़ी देर साइड रख देना है, ठीक है इसे। ऑलराइट, तो अब हम इसे थोड़ी देर साइड रख देते हैं। Now is the time to start cleaning your shoes. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शूज को नॉर्मल वाइप करने से, डस्ट रिमूव करनी है हमें शूज से सबसे पहले, जो नॉर्मल वेयर में हमारे शूज पे लग जाती है, तो वो डस्ट हमें सबसे पहले रिमूव करनी है। तो आ गया हमारा शू, दिस इज माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शू एडिडास, एंड इस पे आप एक डिटेल्ड रिव्यू देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैं ऑलरेडी डाला हुआ है, इसका आई बटन में लिंक मैं डाल दूंगा, यही कहीं स्क्रीन पे आ रहा होगा, यू गाइस कैन क्लिक इट एंड वॉच इट। तो फटाफट से आप सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने क्लॉथ से इसे ड्राई वाइप करना है, जैसे
नॉर्मल वेयर में मिट्टी लग जाती है शूज पे, एज यू कैन सी। तो वो हमें सबसे पहले करना है, ड्राई क्लॉथ से सबसे पहले जो डस्ट है उसे हमने हटाना है। बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, तो इस पर डिटेल रिव्यू आप देख सकते हो। इफ यू वांट टू गेट इट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। ड्राई वाइप हमारा हो गया है, अब इसके बाद कपड़े को हमने करना है थोड़ा सा गीला, एंड अब गीला करके वापस से शू पे मारना है। देखिएगा बहुत ज़्यादा गीला ना हो आपका क्लॉथ, क्योंकि लेदर के लिए ज़्यादा पानी लगाना अच्छा नहीं होता। It's done and now it's time to apply the paste, the mixture that we created in the beginning, the paste baking powder, detergent powder का जो mixture हमने create किया था वो अच्छे से mix हो चुका है, उसको हमने थोड़ी देर बाद पी लिया। Now it's time to apply that mixture on our shoe. And to wipe off all this mixture and the dirt, मैं use कर रहा हूँ एक foam, तो foam तो normally आपको पता ही है मिल जाती है कहीं से भी, and अगर आप चाहो foam की जगह एक normal cloth भी use कर सकते हो। Normal cloth जो use करते हैं cleaning के लिए, उसे हमें गीला करना है और उसके बाद अपने shoe को साफ करना है। And आप देखोगे इस process में थोड़ी सी foam भी create होगी shoe पे, because of the detergent, the baking powder, इसे हमने धीरे धीरे करके remove करना है अपने shoe से। And this is what happens to the shoe. So here's the before, and here is the after result. The difference, आप लोगों को खुद ही समझ आ रहा होगा. Free of cost, just with some ingredients, इतना ज़्यादा effective method है shoe cleaning का. The blacks are shining, whites अपने आप पे इतने shine कर रहे हैं ना. सीरियसली वुड वॉन्ट टू से कि जब नया आया है ना तब भी नहीं था शू, गाइस यू हैव टू ट्रस्ट मी, इतना ज्यादा अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। यू कैन सी नो साइन ऑफ डर्ट और सब कुछ बहुत ही अच्छे से अब चमक गया शू है, एज गुड एज न्यू नाउ। तो अबाउट द लेसेस, इफ यू वॉन्ट आप लेसेस निकाल के इन्हें अलग से क्लीन कर सकते हैं, इन्हें थोड़ी देर डिप कर सकते हैं इसी मिक्सचर में जो हमने क्रिएट किया है, बट मैं ये इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है और आलसी तो हम हैं। तो देखा आपने, दिस इज द शू नाउ, द मेथड। आई होप यू लाइक इट, आई होप आप लोगों के काम आएगा ये, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। So do subscribe to the channel if you found this really helpful and interesting. आगे ढेर सारी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you in the next vlog.